हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है पूसा तेजस गेहूं की वैरायटी के बारे में, जिसे HI 8759 के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो पूसा तेजस जो वैरायटी है, मध्य प्रदेश पर काफ़ी ज़्यादा इसकी सोइंग की जाती है। तो इसके बारे में डिटेल्स साझा करने वाले, कौन कौन से राज्यों पर आप पूसा तेजस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, उत्पादन कितना है, बुआई करने का सही समय क्या है, बुआई के समय कौन कौन सी खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए, पौधे की हाइट कितनी होती है, फुटाव कितनी संख्या में देखने के लिए मिलते हैं, और ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली पर किसानों से जो डाटा मिला है, उत्पादन इसका जो परफेक्ट उत्पादन है वो कितना देखने के लिए मिलता है, और सीड्स की जो कीमत है, एक एकड़ में सीड्स रेट के ऊपर बात करने वाले हैं, कितनी दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, प्लस बात करेंगे यह जो वैरायटी खाने में कैसी वैरायटी है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी साझा करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिए। पूसा तेजस जो वैरायटी है, इसे HI 8759 के भी नाम से जाना जाता है। पूसा तेजस जो वैरायटी है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा 2016 में विकसित की गई थी। बुआई करने का जो सही समय है 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं, यानी मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर के बीच में यदि आप समय में इसकी बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। तो यदि 20-25 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर देते हैं या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में बुआई करने पर बहुत अच्छी बढ़ावार देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी पर 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो सिंचाई आप कर रहे हैं, पहले तो पलेवा करके आपको बुआई करनी है, और पहली सिंचाई 15 से 18 दिन के आसपास की फसल होती है तो पहली आपको सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई फ्लैट एरीगेशन से करना चाहिए और 15 से 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई भूमि पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा सा अंतर को आप कम रख के सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। पूसा तेजस जो वैरायटी है, इसकी जो ऊंचाई है पौधे की 85 से 90 सेंटीमीटर तक लगभग होती है, यानी इसमें गिरने की समस्या, इस वैरायटी पर गिरने की समस्या नहीं आती है। हाइट एकदम मीडियम होती है, और यदि आप इस वैरायटी पर यदि आप अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है हाइट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। बाकी इसकी एक एवरेज जो औसत हाइट होती है वो 85 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। एक एकड़ में जब आप बुआई कर रहे हों तो आपको 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम आपको सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। पूसा तेजस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के साथ साथ राजस्थान और जिन स्टेट पर गेहूं की खेती की जाती है वहां पर आप इस वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। यह जो वैरायटी है पूसा तेजस वैरायटी, रस्ट और करनाल वंट के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। इस वैरायटी पर रतुआ रोग की समस्या देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यदि आप खाने के पर्पस से इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो 10 में से 6 रेटिंग मिलने वाले हैं। बहुत ही मतलब खाने में उतनी यह वैरायटी खास नहीं है, लेकिन यदि आप इसको बेचने के पर्पस से बुआई कर रहे हैं तो इस वैरायटी का उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला है। समय अवधि इंटरनेट पर बतलाया जा रहा है कि यह वैरायटी 100 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन रियलिटी पर इस वैरायटी का पकने का जो समय है 135 से 140 दिन का समय ही लगता है। दोस्तों, इसको आप हल्की भूमि पर यदि लगाते हैं तो उत्पादन बहुत कम मिल सकता है। तो जो उपजाऊ भूमि है या फिर जो अच्छी भूमि है, काली दोमट भूमि पर यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला है। लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। इस हिसाब से एक एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम से ज़्यादा आपको बुआई नहीं करनी है। यदि बहुत ज़्यादा घनत्वता में यदि बुआई करेंगे तो फिर जो पौधा है उतना ज़्यादा फैलाव और फुटाव देखने के लिए हमको नहीं मिलने वाला है। उत्पादन और प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो इस वैरायटी को यदि आप बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन एरीगेशन करते हैं, समय बुआई करते हैं, तो 24 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल तक प्रति एकड़ की दर से आप पैदावार निकाल सकते हैं। इसकी बालियां लंबी नहीं बल्कि छोटी साइज की होती हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। दाना ठोस
वजनदार चमकदार होता है और फुटा बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, यानी जो टेलरिंग की संख्या है वो बहुत अच्छी आती है। लेकिन जो यूट्यूब और इंटरनेट पर कुछ वीडियो पर बतलाया जा रहा है कि इसके जो फुटाव हैं 30 से 40 फुटाव एक पौधे से देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन रियलिटी पर जो फुटाव हैं एक एवरेज एक औसत, क्योंकि जो फसल है स्टार्ट पर या फिर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि फुटाव अच्छे हो गए, लेकिन बीच फसल पर जो जब आगे चल के हम देखेंगे फसल के अंदर जाके तो वहाँ पर एक अच्छे फुटाव देखने के लिए अगर हम एवरेज की बात करें तो 8 से लेकर 15 कल्ले तक की संख्या देखने के लिए मिलती, इससे ज़्यादा इस वैरायटी पर फुटाव की संख्या देखने के लिए नहीं मिलती है। तो एक एवरेज ही फुटाव हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हाँ अन्य किस्मों से इस वैरायटी पर जो फुटाव हैं उनकी संख्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जो गेहूं की वैरायटी आती है श्रीराम सुपर 303 वैरायटी और GW 322 की तुलना पर इसका जो जमाव जर्मिनेशन है 2-3 दिन लेट होता है, तो घबराने की बात नहीं है। स्टार्टिंग पर इस वैरायटी की जो पत्तियाँ हैं थोड़ी सी पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, लेकिन बाद में वो हरी भरी हो जाती हैं, तो इस बात को लेकर कमेंट ना करें और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी बुआई के समय पहले आप पलेवा करें, यानी अच्छी नमी रहेगी और उस समय आप बुआई करेंगे तो जो जमाव है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसका दाना थोड़ा कड़क होता है, अन्य वैरायटी की तुलना पर इसका जो दाना है वो कड़क होता है, गिरने की समस्या नहीं है इस वैरायटी पर। अन्य किस्मों से इस वैरायटी में जो ग्रीननेस है वो बहुत अच्छी रहती है। जब आगे चलकर जब गर्भ की अवस्था में या मैच्योरिटी की स्टेज पर जब हमारी फसल होती है तो उस समय बहुत अच्छी ग्रीननेस देखने के लिए मिलती हैं। बालियाँ आने के बाद खेत की जो पूरी फील्ड है पूसा तेजस की एकदम समतल देखने के लिए मिलती है, और जो पत्ते हैं और जो बालियां हैं इनमें चिकनापन थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिलता है। तना बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो गिरने की इसमें समस्या नहीं आती है, बशर्ते प्रॉपर आप न्यूट्रिशन की पूर्ति आपको करना चाहिए। इस वैरायटी का दाना थोड़ा बड़ा रहता है, चमकीले दाने होते हैं और इस प्रकार की बाली होती है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, शाइनिंग बढ़िया होती है। और सिंचाई करने का तरीका यही है कि सूखे खेत पर ना सोइंग करके पहले आप पलेवा करेंगे, फिर उसके बाद आप जब खेत पर थोड़ा अच्छी नमी हो उस समय आप सीड ड्रिल विधि से यदि आप सोइंग करेंगे तो अंकुरण और जमा बहुत अच्छा होने वाला है। आप सर्टिफाइड बीज लगा रहे हैं तो उसको भी बीज उपचार करने की आवश्यकता है, आगे चल के सूखने की समस्या नहीं आती है। तो बीज उपचार झेलोरा से या फिर एवरगोल फंगिसाइड से बीज उपचार आप कर सकते हैं कि आगे चल के जो सूखने की समस्या नहीं आती है, रूट रॉट की समस्या नहीं आती है और जो सूखने की समस्या एकदम ख़त्म हो जाती है। तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। बुआई के समय आपको DAP 50 किलोग्राम, SSP दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम और इसके साथ बेंटोनाइट सल्फर आपको लेना है 10 किलोग्राम। लेकिन सल्फर को DAP के साथ मिक्स करके प्रयोग नहीं करना है, DAP को अलग प्रयोग आपको यानी ब्रॉडकास्ट कर दीजिए छिटका विधि से, जो बेंटोनाइट सल्फर आती 10 किलोग्राम इनको मिक्स करके आपको बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। जो पूसा तेजस जो वैरायटी है 40 किलोग्राम का जो बैग है 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमत को लेकर कमेंट ना करें, अलग अलग राज्य और सिटी के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। समय के हिसाब से भी यदि आप इस वैरायटी को 1 साल बाद 2 साल बाद देखेंगे तो भी कीमतों पर हेर फेर हो सकता है, कम ज़्यादा कीमत देखने के लिए मिल सकती हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश पर कई जगहों पर कई इलाकों पर खासकर जो श्रीराम सुपर 303 वैरायटी है और GW 322 की तुलना पर इस वैरायटी का उत्पादन कम है, लेकिन कुछ इलाकों पर पूसा तेजस जो वैरायटी है श्रीराम 303 और GW 322 से उत्पादन अच्छा भी मिला है। तो ऐसा कंपेयर नहीं कर सकती हैं क्योंकि जो वैरायटी है इनका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कैसी भूमि है, समय, किस समय पर आप सोइंग कर रहे हैं, मौसम, जलवायु, क्लाइमेट कंडीशन और साथ ही एरिगेशन, फर्टिगेशन, न्यूट्रिशन, इन फैक्टर पर काफ़ी ज़्यादा हमारा जो उत्पादन है वो डिपेंड करता है। जो भी आप वैरायटी लगा रहे हैं डेमो के रूप में, यदि आप नए नए हैं और आप 5-10 एकड़ पर गेहूं खेती करते हैं या फिर 5 एकड़ पर गेहूं खेती करते हैं, तो जैसे
पूसा तेजस को आप नए नए पर लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वैरायटी तो पुरानी है और उत्पादन भी बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। कुछ इलाकों पर श्रीराम 303 जो सुपर वैरायटी आती है, इससे भी उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिला है। पूसा तेजस जो वैरायटी है, इसको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाका भी हैं जो श्रीराम सुपर 303 जो वैरायटी है, इससे उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिला है। तो यदि आप पूसा तेजस को लगा रहे हैं, तो यदि आप नए नए हैं या फिर थोड़ी बहुत जगह पर आप डेमो के रूप में लगा कर देखिए, यदि आप 2-4 एकड़ पर खेती करते हैं, तो 1 बीघा पर या फिर आधा 1 बीघा पर उस वैरायटी को 1 एकड़ में लगा कर देखिए। यदि उत्पादन आपके एरिया क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से अच्छा रहता है, तो उसका रकबा को आप बढ़ा सकते हैं, एरिया को अगले साल फिर आप बड़े लेवल पर उसकी बुआई कर सकते हैं, जो भी अच्छा पैदावार देने वाली वैरायटी है। बाकी दोस्तों HI 8759 जो वैरायटी पूसा तेजस, इसका उत्पादन भी बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। तो हमारे किसान भाई पूसा तेजस वैरायटी की भी बुआई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने पूसा तेजस HI 8759 के बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा की। और थोड़ा सा बतला दें कि यह जो वैरायटी दाने वजनदार होते हैं, और 1000 दानों का जो वजन है वो लगभग 50 से 60 ग्राम होता है, जो अन्य वैरायटी में 5 से लेकर लगभग 10 ग्राम ज़्यादा है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।